some वेलकम बैक टू द चैनल या फिर कि आई शुड से वेलकम टू द चैनल अगर आप कैट 2024 ट्वेंटी फोर एक्सपेरेंट हो और फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हो शायद आपने ये चैनल पहली बार देखा हो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज श्वेता अरोड़ा मैंने अपनी एम बी ए आई एम अहमदाबाद से कम्प्लीट की आई स्कोर नाइन्टी नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट इन कैट ट्वेंटी सेवेंटीन एंड मैंने ये यूट्यूब चैनल ट्वेंटी ट्वेंटी में बनाया था विद दी होप कि मैं एम बी एक्सपेरियंस के साथ अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ और अब तीन साल हो चुके हैं जब मैं कॉन्टेंट बना रही हूँ रिलेटेड टू एम बी ए एंड मुझे थोड़ी बहुत इन ईयर मिल चुकी हैं की होती है बट ऑन एन एवरेज एक साल काफी प्रिपरेशन के लिए तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस एक साल को पांच स्टेजेस में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूंगी सो so दैट आपके पास एक ओवर व्यू हो एक ईगल्स व्यू हो ताकि आपको पता हो कि वो एक साल दिखाई कैसा देगा आने वाले दिनों में इस चैनल पे कैट एग्जाम और एमबीए के रिलेटेड काफी सारी वीडियोस बनेंगी सो स्टे ट्यून्ड वी आर लाइक अ कम्युनिटी एंड आई होप कि इस जर्नी में आप मुझे अपने साथ चलने का मौका दो सो लेट अस स्टार्ट विद स्टेज 1 व्हिच इज कॉल्ड बेसिक्स स्टेज 1 आपकी जनवरी के मंथ तक चलती है तो अगर ये वीडियो आप दिसंबर में देख रहे हो तो जितना भी टाइम बचा है उसमें आपने दो काम करने हैं सबसे पहले को बोलते हैं ओवरव्यू और दूसरे को बोलते हैं प्रिपरेशन ओवरव्यू के अंदर आपको चार चीजें करनी होती हैं कैट एग्जाम का सिलेबस समझना है कैट एग्जाम का पैटर्न समझना है यह जानना है कि कौन से कौन से से कॉलेजेस कैट एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं एंड फाइनली कैट एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा कैट 2023 में ये सारी चीजें आप आराम से इंटरनेट से ढूंढ सकते हो कैट ट्वेंटी के लिए मैंने एक सिलेबस की पीडीएफ बनाई थी जिसको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हो इन सारी चीजों के अलावा कैट एग्जाम ए टू जेड होता क्या है उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी चैनल पे सो स्टे टून फॉर दैट सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टेज इज कॉल्ड प्रिपरेशन प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाई शुरू कर देनी है प्रिपरेशन का मतलब ये कि जो लोग पिछले साल पढ़ाई किए थे या उनके पिछले सालों में उन्होंने प्रिपरेशन की थी आपने उनकी जर्नीज पढ़नी है ये आप आराम से यूट्यूब से ढूंढ सकते हो या फिर कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है अब हमने उनकी जर्नीज पढ़ के करना क्या है पहली चीज उनके स्टडी मटीरियल ढूंढने यानी कि उन्होंने कौन से क्वेश्चन बैंक्स यूज किए थे कौन सी बुक्स कौन सा कोचिंग मटेरियल सेकंड उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर किए कोई ऐसे यूट्यूब चैनल थे जो उन्होंने फॉलो किए कोई ऐसे पर्टिकुलर टीचर्स थे जिनकी कोचिंग उन्होंने अटेंड की एंड फाइनली उन्होंने कौन से मॉक टेस्ट लिए इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं प्रिपरेशन मटीरियल स्टेज वन यानी कि डिसंबर के एंड में आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपके पास स्टडी मटीरियल कॉन्सेप्ट और मॉक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंड

को जिसकी क्लासेस हुआ करेंगी हफ्ते में तीन दिन मंडे वेन्सडे फ्राइडे ये लाइव क्लासेस होंगी ऑनलाइन होंगी और रात को नौ से ग्यारह बजे के बीच में कंडक्ट होंगी इस बैच के अंदर आपको सारा स्टडी मटीरियल उनके पोर्टल पे मिल जाएगा लेकिन उसी के साथ साथ आपको घर पे बुकलेट्स भी डिलीवर होंगी उन्हीं के पोर्टल के ऊपर आपको सारे एम बी के मॉक्स भी मिल जाएंगे इस कोर्स का प्राइस फॉर एंटायर ईयर विल बी ट्वेंटी फर्स्ट टू क्लासेस वो डेमो ऑफर कर रहे हैं एबसोलूटली फ्री फॉर एवरी वन टू अटेंड

के साथ कितना कंफर्टेबल हो उसके बाद आएगी स्टेज थ्री जो कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक रन करती है इसका नाम है सिलेबस कंप्लीशन ये स्टेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अक्सर स्टेज को मिस कर कर जाते जाते हैं या फिर के ओवर हैं अपनी अबिलिटी को और ये स्टेज कभी खत्म ही नहीं होती उनके लिए मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्टेक्ट बताती हूँ ऐसा होता है कि जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो उनका बैच जनरली अक्टूबर तक रन होता है और सिलेबस खत्म होते होते तक सेप्टेंबर अक्टूबर हो ही जाता है लेकिन अगर आप उनके फ्लो के साथ मूव करोगे और इतना लेट अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे तो बाय द टाइम आप मॉक्स दोगे आपको बहुत डीमोटिवेशन होने लगेगी और आपको लगेगा नवंबर तो बस आए गया मेरे पास टाइम ही नहीं बचा अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का इसलिए क्योंकि मार्च तक आप कंफर्टेबल हो चुके हो विद योर कोचिंग और विद योर सेल्फ प्रिपरेशन आपको आइडिया होगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है आपको ये भी रियलाइज होगा कि डी और वर्बल में सिलेबस कंप्लीट करने नाम की कोई चीज नहीं होती उसमें सिर्फ प्रैक्टिस लगती है लेकिन कौन्ट में सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो so, आप क्या करोगे अगर तो आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो जुलाई एंड को अपनी डेडलाइन मानोगे कि मुझे अपना सिलेबस तब तक कंप्लीट करना है लेकिन अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आप जितना वो करा रहे हैं उतना तो करोगे बट उसके अलावा अपना एक प्रिपरेशन प्लान बनाओगे जिसके थ्रू आप इजी चैप्टर्स पिक करोगे जो आपका कोचिंग इंस्टिट्यूट लास्ट में कवर करने वाला है और उनको खुद से करना स्टार्ट कर दोगे थर्ड स्टेज यानी कि जुलाई के एंड में आपको पता कौन सी स्टेज पे पहुंच जाना है कि आपको ये हो कि अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन दिखा दे तो आपको पता हो कि ये कौन से चैप्टर का है यानी कि आपको फैमिलियैरिटी अचीव करनी है दैट इज योर ऑब्जेक्टिव स्टेज 4 होती है मॉक्स की स्टेज ये स्टेज रन होती है फ्रॉम अगस्त टिल सितंबर अगस्त से लेके जब तक आपका एग्जाम होगा यानी कि नवंबर में आपको इन टोटल एग्जाम तो का पैटर्न समझ में आना चाहिए जो हमने शुरू में एक बार किया था अब वो हम बार बार मॉक लेके समझेंगे और दूसरी चीज आपको दो घंटा बैठने की आदत लगाना बहुत जरूरी है जिसके लिए भी मॉक्स लेने चाहिए इस स्टेज के अंदर दो

पहली पहली बार मॉक लेना स्टार्ट करोगे आपको बहुत डर लगेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे पता नहीं मैं ये एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी ऑगस्ट से आपको ये याद रखना है कि ये वो स्टेज नहीं है जहां आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ये वो स्टेज है जहां आप अपनी फेमिलियरिटी को स्ट्रेंथन करोगे विच इज कि जब आप मॉक्स के क्वेश्चन पिकअप करोगे आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है आखिरी स्टेज हमारी फिफ्थ स्टेज होती है जो अक्टूबर से नवंबर तक रन होती है और उसका नाम है स्ट्रेटेजी स्टेज इस स्टेज के अंदर क्योंकि आप बहुत सारे मॉक्स ऑलरेडी दे चुके होंगे आपका फाइनल काम होगा सिर्फ और सिर्फ मॉक्स को देना और अपने वीकर कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंदन करना वीकर कॉन्सेप्ट दो तरह के होते हैं सबसे पहले आपके सेक्शन कौन से वीकर है यानी कि तीनों सेक्शन सब से सबसे कमजोर सेक्शन कौन सा है और उसके अंडर फर्दर आप चैप्टर्स आइडेंटिफाई करते हो कि अच्छा अगर मेरा कॉन्ट वीक है तो क्या उसके अंदर मेरा नंबर सिस्टम वीक है या ज्योमेट्री वीक है तो फिर आप ज्योमेट्री को पिक करोगे अगर वो वीकेस्ट है और उस पर वर्क करते हो तो हर मॉक का यही पैटर्न रहता है आप अटेम्प्ट करते हो आप एनालाइज करते हो देन आप उस पर काम करते हो फिर आप नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करते हो फिर एनालाइज करते हो फिर उस पर काम करते हो सो so ये पूरा प्रोसेस है जो दो महीनों में चलता रहता है आई होप ये आपको help करे अपनी preparation journey को करने में। अब सोचो ना कि कि अगर आपको आपको पता होगा कि आपको पहुंचना कहां तभी तो आप कॉन्फिडेंटली यही सोचते रहोगे कि पता नहीं ये ट्रेन वहां पहुंचेगी भी या नहीं सो दिस इज वाई आई एक्सप्लेन दर एंटायर रूट टू यू सो दैट आपको आइडिया रहे आई ट्रूली होप दिसंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट टाइम